के विश्वनाथ जी के दर्शन करने आई थी, प्रे करने आई थी क्योंकि यूपी प्रचार चालू हो गए। और मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उनसे ज़्यादा तो वैसे भी कोई नहीं सुन सकता धरती पे। जब सारी आस ख़त्म हो जाती है तो भगवान ही याद आते हैं। तो उनको बस बोलने आई थी कि हम दिल से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पूर्ण बहुमत से बीजेपी आए। राजनीति में आने की अटकलें काफ़ी चली, काफ़ी विवाद भी हुआ कांग्रेस को लेकर, क्या है आपकी प्लानिंग राजनीति में? मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, और शुरू से ही मैं ऐसी रही हूँ कि बिना प्लानिंग के ही सब कुछ किया है। प्लानिंग चीज़ों को ख़राब कर देती है। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, भगवान जो रास्ता आपके लिए बनाता है वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है, तो जो चल रहा है वो चलने दीजिए। बनारस में कुछ बदलाव आपको नजर आया पहले भी आप आ चुके हैं, कुछ बदलाव या कोई विकास कार्य ऐसा कुछ? पहले जाम नहीं था, जाम बहुत मिला। पहले ट्रैफिक था ही नहीं जब मैं पहले आई थी, आज ट्रैफिक था। इसके अलावा तो जहाँ जाते हिंदुस्तान में अपनापन दिखता है, एक ही तरह के इंसान दिखते हैं, बस नाम बदल दिए गए हैं लेकिन पूरा हिंदुस्तान एक जैसा। रवि किशन भी हैं, मनोज तिवारी हैं, हेमा मालिनी, सनी देओल हैं, जो इस तरह के कलाकार हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और गठबंधन या जो भी पार्टियां हैं उनका कहना है कि ये नचनियां हैं, ये संसद में जाकर क्या करें, इससे क्या कहना है? देखिए, बड़े बहुत समझदार होते हैं और उनसे ही छोटों को सीख मिलती है। अब उन्हें अगर हम नाचने वाले लगते हैं तो उनके दिमाग से हम ये फितूर तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ यही कह सकते हैं कि हमारे घर वालों ने हमें ये सिखाया कि अपने से बड़े को कभी समझाना मत, क्योंकि वो बहुत समझदार है। अगर उनकी समझ ही है तो फिर इससे आगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान, तो उनको कुछ बोल नहीं सकते।